Now this is your video number 26 and this is question number 3. Question number 3 और question number 2 में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है. आपको याद होगा question number 2 में हमने a plus b transpose equal to ये किया था और इस ये मैंने आपको घर के लिए दिया था, मैंने कहा था कि होमवर्क आप करेंगे. तो इसमें भी वैसे ही दो पार्ट्स हैं और वैसे ही दो मैट्रिसेस हैं, लेकिन पिछली बार यहाँ a दिया था, यहाँ b दिया था. b अब भी यहाँ b ही है, लेकिन यहाँ पर a ट्रांसपोज पहले ही दे दिया है. तो पिछली बार हमने ए ट्रांसपोज अलग से निकाला था, बी ट्रांसपोज अलग से निकाला था. इस बार ए ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ए ट्रांसपोज ही दिया है आपको, बी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा. तो पिछली बार हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, उसमें फर्स्ट पार्ट किया था. तो इस क्वेश्चन में हम सेकेंड पार्ट कर लेंगे, फर्स्ट आप खुद करेंगे. पिछली बार मैंने सेकेंड आपको करके लिए दिया था. तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सोल्यूशन पहले आप लिखेंगे गिवन दिस वन मैट्रिसेस आर, गिवन मैट्रिसेस आर. ए बी ए प्राइम यहाँ से उतारेंगे, ये ए प्राइम है और बी यहाँ से उतारेंगे. तो फिर आपका जो क्या कहते हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकल आएगा. तो ए ट्रांसपोज वो तो दिया आपको 3 4 -1 2 0 1. तो देयर फॉर ए निकालना हो, इसका ए भी निकाल सकते हैं ना. ट्रांसपोज का ए निकालना हो तो फिर रो को कॉलम में चेंज कर दो. पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरीके से. तो इधर लिख देते हैं एंड बी आपको दिया है ये वाला -1 2 1 1 2 3. तो फिर आपको बी ट्रांसपोज निकालना है, देयर फॉर बी ट्रांसपोज. लेकिन ये सारा आपने नीचे लिखना है क्योंकि नीचे मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ. बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो. पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, -1 2 1, फिर 1 2 3. तो ये बी ट्रांसपोज. अब हमने पहले ए, मैं सेकेंड पार्ट निकालूंगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकाल. इधर लिख देते हैं सेकेंड पार्ट, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये है, ये वाला लिखना है 3 -1 0 4 2 1. माइनस माइनस में बी ट्रांसपोज लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ये है. तो उतार लीजिए इसको, -1 1 2 2 1 3. तो इक्वल टू कर लो -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 3 + 1 4 4 - 1 3 आ जाएगा, -1 और ये -2 तो -3 हो जाएंगे. 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 - 1 तो -1 आएगा, 1 - 3 तो -2 आएगा. तो ये आ गया ए ट्रांसपोज माइनस बी, ये वाला निकाल दिया आपने. अब हमने निकालना है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज. तो वो कैसे निकालेंगे, इसको आप जो अभी निकाला इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. तो अब आपने a माइनस बी का ट्रांसपोज निकाला, तो पहले a माइनस बी निकालना पड़ेगा, देयर फॉर ए माइनस बी. ए का वैल्यू अभी हमने निकाला था, वो मैं साइड पे लिखता हूँ. ये वाला a का वैल्यू है जो हमने अभी नीचे निकाला था, अब मैंने वो साफ कर दिया है, वो साइड पे लिख दिया है a. तो a की जगह आपने ये लिखना है, a ट्रांसपोज का अगर a निकालना है तो रो को कॉलम में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा. तो ए का वैल्यू यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, 3 - 1 0 4 2 1 - फिर बी, बी तो दिया है आपको, -1 2 1 1 2 3. तो बीच में माइनस कर लो, माइनस 3 - - +4 हो जाएगा. फिर ये -1 और -2 तो -3, 0 - 1 - 1 आ गया, 4 - 1 3 आ गया, 2 - 2 0 आ गया, 1 - 3 माइनस का 2. तो अब a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो देयर फॉर ए माइनस बी ट्रांसपोज. तो पहली रो को पहला कॉलम बनाना पड़ेगा, 4 - 3 - 1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, 3 0 - 2. तो इसको सेकंड दे दो, देख लो जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है वही सेकंड सेम आए हैं, इसका मतलब ये इसके बराबर है. तो अब नीचे मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपने नीचे लिखना है, फ्रॉम
first and second we get a minus b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो इस तरीके से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट भी आपने खुद निकालना है, उसमें आपने प्लस करना है, यहाँ माइनस की जगह प्लस है, यहाँ पर भी माइनस की जगह प्लस है। तो वो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में फर्स्ट पार्ट किया था वो एडिशन वाला ही था, तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने सब्ट्रैक्शन वाला भी सीख लिया। तो एक पार्ट जो मैं आपको छोड़ता हूँ वो आपके लिए होमवर्क है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक।